सबसे पहले हमने ये देखना है ना कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि HRCT में हमने बताना है कि कौन सी डिजीज है। तो इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि जो UIP है और जो नॉन NSIP या बाकी हैं, उनकी प्रोग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में बहुत फर्क है। तो UIP में आप देख रहे हैं ना इस चार्ट में, इसका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, तो ये पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, इसलिए हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है HRCT में। तो HRCT में जो हम बेसिकली जो हम देखते हैं, वो हम देखते हैं सेकेंडरी पल्मोनरी नोड्यूल। तो इसके बारे में आपको आइडिया है सेकेंडरी लोब्यूल के बारे में, कोई बताना चाहेगा? सर, ये ये बेसिक बेसिक होता यूनिट है है, ठीक जिसकी 1 to 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, और है, एक जो पल्मोनरी लोब्यूल होता है ना उसके अंदर ऐसी 12 फैसिनस होते हैं। और तो है। जो जो एक लोब्यूल होता है सेंट्रियल पल्मोनरी लोब्यूल, उसमें सेंट्रल लोबुलर आर्टरी और ब्रोंक्यूल जाता है और फिर डिवाइड हो जाता है वो एसिनर आर्टरी और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जबकि जो वेन होती है और जो लिम्फेटिक सेगमेंट लोबुलर सेप्टा में होते हैं। तो ये है एक बेसिक सर, इसके फंक्शन। लिम्फेटिक्स दो होते हैं, एक सेंट्रल लिम्फेटिक होता है और एक पेरिफेरल सिस्टम होता है। जो सेंट्रल है वो सेंट्रल ब्रोंक्योल के साथ रन करता है, और जो पेरिफेरल लिम्फेटिक है वो सेप्टा में रन करते हैं, दो लोब्यूल्स के बीच में, सेकेंडरी लोब्यूल के बीच में उधर रन करते हैं। बताया था कि या पेरिफ्री में आप इसको देख रहे हैं कि इसके लिम्फेटिक्स आ रहे हैं, और सेंट्रल में भी इसके एक लिम्फेटिक चैनल होते हैं, साथ पल्मोनरी आर्टरी भी आपको इसमें नजर आ रही है, और ये ब्रोंकियोल भी आपको नजर आ रहे हैं। तो इसके बेसिस पे हम इसकी डिफरेंट जो पैथोलॉजीज होती हैं वो डिफरेंट एरियाज को इन्वॉल्व करती हैं, और उसकी बेसिस पे हम डिजीजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सेंट्री लोब्यूलर एरिया है जो जो कि सेंट्रल पार्ट है सेकेंडरी लोब्यूल का, तो वो अगर इन्वॉल्व होता है तो वो ज्यादातर हमारे पास जो डिजीजेस आती है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, RBILD और सेंट्री लोबुलर इन्फाइसीमा में आती है। और जो पेरिफेरल जो हमारे पास इस लिम्फेटिक्स के थ्रू पेरी लिम्फेटिक एरिया में जो डिजीजेस आती हैं, तो सबसे ज्यादा हमने कॉमन जो हमारे पास डिजीजेस आती हैं वो सार्कोइड आती है, उसके अलावा लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमाटोसिस आ सकती है, और पल्मोनरी एडिमा आ सकती है। तो इस सेकेंडरी लोब्यूल को हम HRCT में देख के और इनकी इन्वॉल्वमेंट देख के हम डिजीजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सी डिजीज कौन सी है। तो HRCT को इंटरप्रेट करने के लिए हमने तीन चार चीजें देखनी होती हैं। एक तो हमने देखना होता है कि इसमें डोमिनेंट पैटर्न कौन सा है, आया ये रेटिकुलर पैटर्न है, नोड्यूलर पैटर्न है, या कोई कंसोलिडेशन है, हाई एटीन्यूएशन या कोई लो एटीन्यूएशन सिस्टिक एरियाज हैं। तो उसके बेस पे हम डिफरेंट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफरेंट पैथोलॉजीज को। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी लोब्यूल में क्या है, जैसे हमने भी देखा था कि सेंट्री लोब्यूलर है तो RBILD और हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस को हम सोचेंगे, अगर पेरी लिम्फेटिक है तो हम सोचेंगे कि वो सार्कोइड है या लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमाटोसा है या पल्मोनरी एडिमा है, और रैंडम है तो रैंडम में उसका डिफरेंशियल्स हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस मिलीरी ट्यूबरकुलोसिस में हो सकता है, मेट्स में हो सकता है, और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा डिजीज की इन्वॉल्वमेंट के कौन सा जगह इन्वॉल्व है, अपर लोब इन्वॉल्व है, लोअर लोब इन्वॉल्व है, सेंट्रल है या पेरिफेरल। तो सबसे पहले हम रेटिकुलर पैटर्न देखते हैं, तो रेटिकुलर पैटर्न आया स्मूथ हो सकता है या कोर्स हो सकता है। तो ये जो एक्सियल सीटी है इसमें आप देखें कि ये बड़ी स्मूथ इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग इस पे नजर आ रही है, तो और साथ आपको इसमें प्लूरल इफ्यूजन भी नजर आ रही है। तो ये अगर हमारे पास स्मूथ आती है और ऐसी पिक्चर आती है तो ये हमारे पास पल्मोनरी एडिमा है। और इसके साथ ही एक और HRCT लगा हुआ है जिसमें स्मूथ इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग है, लेकिन इसके साथ ग्राउंड ग्लास पेस्टीज भी आपको नजर आ रही है, और ये ग्राउंड ग्लास पेस्टी साथ हमें क्रेजी पेविंग अपीयरेंस दे रही है। तो ये जो केस था ये हमारे पास किस चीज का था, क्रेजी पेविंग डिफरेंशियल के। हाँ, एमोटोटोनोसिस। मोस्ट कॉमन ये है, इसके ब्रॉड डिफरेंशियल होते हैं, रेडियोपीडिया में आप देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन अल्वेलर प्रोटीनोसिस आपको दिखाया जाएगा। और अगर आपके पास कोर्स इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग आ रही है, जैसे इसमें देखेंगे आपको नोड्यूल्स भी नजर आ रहे हैं और कोर्स इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग यूनिलैटरल आ रही है, और साथ आपको कोई और एविडेंस भी मिलेगा कि ये कोई इसमें ब्रेस्ट में कोई मैस मिल जाएगा या कोई और एविडेंस लिटिक लेजन मिल जाएगा, तो ये लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमाटोसिस का केस है ये वाला। और ये जो साथ आपके राइट साइड पे है, तो इसमें आप देखें कि इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग कोर्स है और हनी कूमिंग हो रही है,
और ज्यादा लंग बेसिस इन्वॉल्व है, तो ये हमारे पास यू आई पी आ गया। सर हाँ जी सर, कोर्स का क्या मतलब है इसमें? कोर्स और स्मूथ कोर्स, यानी जो रफ रफ टाइप होती है ना, अगर आप इसको देखें तो इसमें काफी स्मूथ किस्म की इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग है, और जी इसमें सर, थोड़ी सी रफ रफ किस्म की है। तो जो रफ टाइप होती है वो फिर इसमें ये दो डिफरेंशियल आ जाती है, जिसमें कार्सिनोमेटोसिस आ जाता है और साथ हमारे पास इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस या यूआईपी आ जाता है, या इरेगुलर कोर्स, इरेगुलर नोड्यूलर। ठीक है, जी तो इसके सर, डिफरेंशियल जो मैंने बता दिए थे कि स्मूथ होगी तो एल्वियोलर प्रोटिनोसिस आपको दिखा दिया है, एडिमा हो सकता है। अच्छा, लिम्फेजेटिक कार्सिनोमेटोसिस में स्मूथ भी हो सकता है और नोड्यूलर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा फिर इसके डिफरेंशियल में लिम्फोमा, सिलिकोसिस या सार्कोइडोसिस, लेकिन आपने सार्कोइडोसिस को ज्यादा सोचते हैं अगर नोड्यूलर टाइप ऑफ वो है। अच्छा, अभी नोड्यूलर थिकनिंग जो होती है वो तीन किस्म की होती है, या वो रैंडम हो सकती है कि उसकी कोई पैटर्न नहीं है, पूरे लंग्स में फैला हुआ है, या सेंट्रली लोबुलर होती है। सेंट्रली लोबुलर जो होती है ना, वो अवे फ्रॉम द प्लूरा सरफेस होती है। प्लूरा जो आप देख रहे हैं, प्लूरा की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सही अवे होती है। और सेंट्री लोबुलर जो हमने उसमें सेकेंडरी लोब्यूल का देखा था एनाटमी, तो इसके सेंट्री लोबुलर इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसके डिफरेंशियल भी मैंने उसको भी बता दिए थे कि टॉप टू चीजें आपने इसमें सोचनी है, RBILD और आपने हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस को, सब एक्यूट को सोचना है। ठीक है, और तीसरी चीज जो आती है वो पेरी लिम्फेटिक्स, तो उसमें आपको फीचर्स के अलॉन्ग नोड्यूलैरिटी मिलेगी और प्लूरा सरफेस इन्वॉल्व मिलेगी। अब आप देखें कि अगर आपको एक HRCT उसमें नोड्यूल्स मिल रहे हैं काफी, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि प्लूरा इन्वॉल्व है कि नहीं है। अगर प्लूरा इन्वॉल्व नहीं है तो मोस्ट लाइकली सेंट्री लोबुलर डिस्ट्रीब्यूशन में होगी, और जब सेंट्री लोबुलर डिस्ट्रीब्यूशन में होगी तो आपके पास डिफरेंशियल जो आ जाते हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस और RBILD टॉप पे आ जाते हैं। अगर आपने देखा और आपको उसमें प्लूरा इन्वॉल्व लगी, तो जैसे कि इसमें प्लूरा के इर्द गिर्द भी है, तो फिर उसके बाद आपने देखना है कि सब प्लूरल सेप्टल पेरी ब्रोंकोवेस्कुलर है या डिफ्यूज है। अगर डिफ्यूजली प्लूरा में भी है और डिफ्यूज भी है, तो उसमें आपके पास वो मेटास्टेसिस, टीबी और फंगल इन्फेक्शन आ जाएगी, जो कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। और अगर पेरी लिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबसे ज्यादा आप सोचेंगे सार्कोइड को टॉप पे, और उसके बाद आपके पास बाकी डिफरेंशियल आ जाएंगे, सिलिकोसिस और लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमाटोसिस। अभी पेरी लिम्फेटिक दिखा दिया, देखें आप इसमें प्लूरा इन्वॉल्व है, तो प्लूरा इन्वॉल्व होगी, उसके बाद हमने देखना ये रैंडम है या ये पेरी लिम्फेटिक है। तो इस हम चल रहे, तो इधर फिशर्स के अलोंग ये लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं, तो ये इन्वॉल्व है, तो इसमें हम सबसे सार्कोइड ही सोचेंगे। इसकी डिफरेंशियल वही साइड टॉप पे होगा, उसके जाइटस कार्सिनोमेटोसिस सिलिकोसिस भी हो सकता है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, प्लूरा इन्वॉल्व है लेकिन कोई लिम्फेटिक यानी पेरिफेरल्स के अलॉन्ग इसका नहीं है, जो नोड्यूल्स हैं वो सारे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इसमें हमारे जो डिफरेंशियल्स आएंगे वो मिलेरी टीबी आएगी, इसके अलावा मेट्स में इस तरह की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और फंगल इन्फेक्शन, ये तीन स्पेशल आपने सोचते हैं। तो देखेंगे अगर प्लूरा इन्वॉल्व है और उसमें लिम्फेटिक चैनल्स इन्वॉल्व हैं और फिशेज इन्वॉल्व हैं, तो सार्कोइडोसिस सोचेंगे। अगर अगर रैंडम इन्वॉल्वमेंट है तो मेट्स, मिलेरी टीबी या फंगल इन्फेक्शन सोचेंगे, और अगर प्लूरा इन्वॉल्व नहीं है तो सेंट्री लोबुलर इन्वॉल्व होगा और हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस इसमें होगा। इसके बाद आवाज आ रही है मेरी? जी 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 सर, बेहतर है पहले से। जी हाँ, पहले से बेहतर रहती है। तो इसके अलावा हमारे पास मोजैक एटीन्यूएशन आ सकता है, या ग्राउंड ग्लास आ सकती है, या कंसोलिडेशन आ सकती है। तो कोई बताएगा कि ग्राउंड ग्लास और कंसोलिडेशन में क्या फर्क? सर, ग्राउंड ग्लास में जो है अंडरलाइंग वेसल्स जो है वो नजर आती है, कंसोलिडेशन में वो नजर नहीं आती। हाँ, ये इसका मेन पॉइंट है। और इसमें फिर एक्यूट ग्राउंड ग्लास और क्रॉनिक ग्राउंड ग्लास, अगर आपके पास एक्यूट ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आ रही है, तो उसमें पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी हेमरेज, ए टिपिकल नमोनियाज, जैसे हमारे पास अभी कोविड में भी होता है PCP वायरल नमोनिया, या ARDS। और अगर हमारे पास क्रॉनिक ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज हैं जो कि चलती आ रही है, तो फिर हम NSIP सोचेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी नमोनाइटिस सोचेंगे, हूप सोचेंगे, और ब्रोंकोअल्वियोलर कार्सिनोमा, लेपर्ड नमोनिया, और ये इसमें ये। ठीक है, तो
ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है और ये सब इनको समझ कर रही है। अब हमारे एग्जाम में मैंने दो दफ़ा एग्जाम दिए और मेरे एक्सपीरियंस ये है कि वो जो वो आपके एग्जामिनर जो लाता है वो कॉमन चीज़ें ही लाता है, कॉमन चीज़ों को अनकॉमन चीज़ों को कॉमन मॉडलिटी में दिखाता है और कॉमन को थोड़ा सा अनकॉमन मॉडलिटी में दिखाता है। तो अगर आपके पास HRCT आएगा तो वो इसी में से आएगा, कोई टेढ़ी चीज़ नहीं लाएगा, वो टिपिकल चीज़ ही लाएगा। तो हमारे पास सबसे पहला जो है वो यूजुअल इंटरस्टिशियल नमोनिया है। तो यूजुअल इंटरस्टिशियल नमोनिया की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है सीटी में वो एपिको बेजल ग्रेडियंट होते हैं, यानी नीचे ज़्यादा होता है ऊपर कम होता है, ठीक है। और इसमें इसके साथ क्या HRCT के फीचर्स होते हैं, HRCT के फीचर्स ये होते हैं कि इसमें हमें हनीकुंबिंग मिलती है, रेटिकुलर ओपेसिटीज मिलती है, ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस मिलती है और साथ आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन मिलती है और ग्रॉन्ग्लास ओपेसिटी भी मिल सकती है। NSIP में सब प्लूरल इन्वॉल्वमेंट होती है और सब प्लूरल स्पेयरिंग होती है और इसमें कोई इतना ऑब्वियस ग्रेडियंट नहीं होता जिस तरह UIP में होता है, लेकिन इसमें डोमिनेंट फीचर जो होता है वो ग्राउंड ग्लास पेस्टीज होती है, ठीक है। इसकी फिर फर्दर दो टाइप्स होती हैं, सेलुलर और फाइब्रोटिक, जिसमें आर्किटेक्चर डिस्टॉर्शन और ट्रैक्शन ब्रोंकाइटिस होती है वो ज़्यादातर हमारा फाइब्रोटिक टाइप होता है और सेलुलर टाइप में सिर्फ हमें रेटिकुलेशंस और ग्राउंड ग्लास पेस्टीज मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरी जो डिजीज आती है वो आती है कूप। कूप में हमारे पास पैची, पेरिफ्रल, पेरिब्रोंकियल और बेजल प्रीडोमिनेंट हमारे पास ओपेसिटीज आती हैं, कंसोलिडेशन आती हैं। ये कंसोलिडेशन आप इस पेशेंट को फॉलो करेंगे तो ये माइग्रेट करेंगी, ठीक है। और इसमें ये होगा कि आपके पास एक पेशेंट आया जिसमें इस तरह की पिक्चर थी, पेरिफ्रल कंसोलिडेशन थी, आपने उसको एंटीबायोटिक कोर्स कराया लेकिन वो एंटीबायोटिक कोर्स में उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आप फिर इसको कूप सोचेंगे, सही है। इसकी एयर स्पेस कंसोलिडेशन इसकी प्रीडोमिनेंट होती है, माइल्ड ब्रोंकियल डायलिटेशन हो सकती है और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होती है। इसके बाद हमारे पास जो स्मोकर पेशेंट होता है उसमें दो एंटिटीज आपने याद रखनी है, RBILD और DIP। जो RBILD है वो मैंने पहले आपको बताया कि उसमें सेंट्री लोबुलर नोड्यूल्स मिलेंगे, स्मोकर है और आपको सेंट्री लोबुलर नोड्यूल्स मिल रहे हैं तो आपने इसमें RBILD को सोचना है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई हिस्ट्री है जैसे कि बर्ड्स वो फार्मिंग करता है या घर में बर्ड्स रखता है तो फिर आप सब एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी नोमिनाइटिस को सोचेंगे सेंट्री लोबुलर नोड्यूल्स में, एक पेशेंट है जिसमें HRCT का ये फीचर है। DIP जो है वो भी RBILD की तरह स्मोकर्स में होता है लेकिन इसमें एपिको बेजल ग्रेडियंट होता है और इसमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिलेंगी, इरेगुलर लीनियर ओपेसिटीज मिलेंगी और सम टाइम्स सिस्ट मिलेंगी, इसमें नोड्यूल्स नहीं होते, इसमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होती है और ज़्यादातर बेजल में प्रीडोमिनेंट होती हैं। इसके बाद LIP हमारे पास आ जाता है, ये भी इसकी जो फीचर ये होता है कि इसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो बेजिलर ज़्यादा होती है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होती है लेकिन उसके साथ आपको पेरीवेस्कुलर सिस्ट फॉर्मेशन भी मिलेगी और मेरे ख्याल से इसकी एसोसिएशन जोगरन सिंड्रोम के साथ भी है, अगर किसी ने थ्योरी पढ़ी है तो उसको याद होगा, मैंने तो थ्योरी बहुत पहले पढ़ी थी। ऑटोइम्यून डिजीज, हाँ हाँ, तो ये हमारे पास ना एक वो है फ्रेमवर्क है जिसमें हमने चलना है। तो पहला केस कौन लेगा? जी सर मैं अभी, डॉक्टर सादिया। हाँ जी सर, दीज आर टू इमेजेस ऑफ HRCT, चेस्ट एक्सियल एंड कोरोनल व्यू इन विच आई कैन अप्रिशिएट इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग एंड हनीकॉम्बिंग इज नोटेड इन प्रीडोमिनेंटली बायलेटरल लोअर लंग जोन्स एंड पेरिफेरल सब प्लूरल लोकेशन एंड देयर आर मल्टीपल स्मॉल नोड्यूल्स आर आल्सो सीन इन दिस इन्वॉल्वड एरियाज। Features are suggestive of UIP. Differentials include NSIP. लेकिन सर उसमें ग्राउंड ग्लास ज्यादा होते हैं यानी as compared to honeycombing. Next, इसके लिए बायोप्सी करेंगे for confirmation of UIP. Histopathological confirmation. ठीक है। जी। UIP और IPF में क्या फर्क है? सर IPF इसकी जो है ना रेडियोलॉजिकल और क्लिनिकल डायग्नोसिस है और UIP इसी का हिस्टोपैथोलॉजिकल फॉर्म है। जी सर।
इसमें फिर हमें काज हमें पता होती है ना, यूरिनरी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ ही इसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या कोई और पैथोलॉजी जो होती है वो यूएपी पैटर्न देती है, तो हमें इटियोलॉजी पता होती है, सही है। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में भी हो सकती है इसकी इन्वॉल्वमेंट, अगर हमारे पास इडियोपैथिक है, कोई कॉज नहीं पता तो फिर इडियोपैथिक कॉज सारी रूल आउट कर ली हमें एसोसिएशन करनी। अच्छा ये रेड लाइन ये क्या चीज है, ये रेड लाइन जो लगा क्या शो कर, सर, ये जो लंग की इन्वॉल्वमेंट है बेसल लोकेशन पे इन्वॉल्व है और इसकी हाँ सुपीरियर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है, तो ये इसी को शो कर रहा है कि अनिकम्पिंग बेसल लंग जोन को इन्वॉल्व कर रहा है एज कम्पेयर टू अपर एंड मिडल। इस साइन का कुछ नाम होता है, स्ट्रेट लाइन साइन, ये इस तरह कुछ होता है, किसी को याद है तो बता दे। तो ये अगर हम इसको क्रोनली इसमें एक्सरे का ये सीटी को देखते हैं, इसमें हमें देखें इन्वॉल्वमेंट पता चल रही है कि बेसिस इन्वॉल्व है, और एक क्लियर डिमार्केशन इधर हमें नजर आ रही है, देखें क्लियर डिमार्केशन है। तो इसको साइन को स्ट्रेट लाइन साइन या समथिंग लाइक दैट कहते हैं, मुझे भी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन दिस इज वन ऑफ द साइन टू सी ये यूजुअल इंटरस्टिशियल नमोनिया है। ये सेम इसमें फाइंडिंग्स हैं, पेरिफेरल सब प्लूरल रेटिकुलेशंस हैं, अर्ली अनिकोम्बिंग है, और बेजल लंग्स जो होते हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया। बेजलर इन्वॉल्वमेंट होती है, ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस होती है, अनिकोम्बिंग इसका डोमिनेंट फीचर होता है, जो कि अनिकोम्बिंग उसमें नजर नहीं आएगा एनएसआईपी में, जैसे आपने बताया। राउंड ग्लास ओपेसिटीज हो सकती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं, रेटिकुलेशन ज्यादा होती हैं, और ये इसकी एक क्लासिक वो उन्होंने बताया कि रेटिकुलेशन होती हैं, ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस होती है, हनीकोम्बिंग होती है। तो हनीकोम्बिंग हम तब कहते हैं ना जब ये सिस्टम तीन या तीन से ज्यादा लेयर्स हो, और इनका जो साइज होता है टिपिकली वो 3 से 10 मिलीमीटर इन साइज होता है, ठीक हो गया। और ग्राउंड ग्लास पेस्टीज भी हो सकती है, और इसका ग्रेडियंट देखें एपिकल टू बेजलर ग्रेडियंट, ये भी इसी का, ये मैंने पता नहीं शायद डाल दिया, केस दूसरा देखते हैं, ये कोई दूसरा लेयर है, मतलब जी डॉक्टर अंबर सर, आंकल चेस्ट हेलो ओके जी मैडम, एक्सरे जी सीटी मैडम चेस्ट इन एक्सेल विंडो एंड इन एक्सेल स्लाइसेस इन्वॉल्विंग द मीडियास्टल एंड लंग विंडो इन विच आई कैन अप्रिशिएट बायलैटरल सिस फॉर्मेशन विद इंटरस्टिशियल सेप्टल थिकनिंग विद डोमिनेंटली इन्वॉल्विंग द लेफ्ट लंग अपर एंड मिड जोन, हाउएवर देयर इज नो डेफिनेट जोनल प्रेडिलेक्शन एज आई कैन अप्रिशिएट इन बोथ द लंग फील्ड्स, सो बेस्ड रेस्ट आई कैन नॉट अप्रिशिएट एनी अदर क्रॉस पैथोलॉजी इन द विजुअलाइज्ड बॉडी स्केलेटन, बट सही बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स माई डिफरेंशियल वुड इंक्लूड LCH. है, If she is a female patient, other possibility could be lamb, but in lamb we have uniform sizes. I would like to take the history of the patient. ठीक है, ये मेल था, स्मोकर था, तो ये LCH का केस है, एग्जाम फिल्म है ये। कभी कभी LCH का ऐसे केस दिखा देते लाहौर में जब मैंने एग्जाम दिया था, तो उसमें सिस्टम बहुत थोड़ी होती हैं, नोड्यूल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है पैथोलॉजी में कि पहले नोड्यूल्स बनते हैं फिर सिस्टम बनती है। आपने HRCT के असूलों को याद रखना है कि प्री डोमिनेंट फीचर क्या है, इसमें प्री डोमिनेंट फीचर रेटिकुलर नहीं है, इसमें सिस्ट है, ठीक है, जी सर, सिस्ट या नोड्यूल्स हों और वो अपर लोब में ज़्यादा हों, ठीक है, और आपको मेल पेशेंट हो, आप नाम देख लें, एज देख लें, ठीक है, उससे फिर आप पूछ लें कि स्मोकर है कि नहीं है, स्मोकिंग की हिस्ट्री से कोरिलेट करूंगा, तो आप LCH में पहुंच जाएंगे। तो उसमें बस यही क्लू था कि अपर लोब में नोड्यूल्स थे काफी सारे, थोड़ी बहुत सिस्टे थी, तो आपने एक तो ये देखना है कि सिस्टिक है, रेटिकुलेशंस हैं या नोड्यूल्स हैं, और दूसरी चीज आपने देखनी है कि इन्वॉल्वमेंट लंग के कौन से पार्ट में है। तो अपर पार्ट में नोड्यूल्स मिल रहे हैं, सिस्टे मिल रही है LCH, और फिर LCH आपने सिस्टों का भी बताना है कि ये स्मूथ सिस्टे नहीं है, ये खराब सी सिस्टम है, कोर्स किस्म की सिस्टम है, या जो इरेगुलर सिस्टम आर नोटेड, तो ये इरेगुलर LM के साथ आपको डिफरेंशिएट करेगा। LM में आप देखेंगे स्मूथ सिस्टम होंगी, ठीक है, जी सर, सिस्टम मैं में आपके चाहूँगा पास हाँ तीन चीजें आपके जहन में आती है, सिस्टम हो तो LCH आता है, LM आता है, ठीक है, सेंट्री लोबुलर इम्फाइसीमा आता है। सेंट्री लोबुलर इम्फाइसीमा में आपको कोई भी वॉल नहीं दिखेगी,
लैम में आपको बिल्कुल स्मूथ मिलेगी और इसमें आपको कोर्स या डटी मिलेंगी, ऑब्वियसली साथ नोड्यूल्स भी होंगे और अपर लोब इन्वॉल्वमेंट भी होंगे। तो ये इसकी एच आर सी टी का ही फीचर होता है कि इरेगुलर स्मॉल नोड्यूल्स होंगे, सिस्ट होंगी, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, अपर एंड मिड जोन, और ब्रोंकियोलो सेंट्रिक नोड्यूल्स होंगे जो 1 to 10 मिलीमीटर, और जो सिस्ट होंगी वो वेरिएबल साइजेस की होंगी और बिजार शेप्ड होंगी। जो मैंने लव्ज वर्ड बिजार शेप्ड, ये बस वर्ड्स आपने बोलने हैं, तो इनके मार्क्स होते हैं इरेगुलर बिजार शेप्ड सिस्ट, इनको भी आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है? तो ये आपके पास डायग्नोसिस बन जाएगी। तो ये ग्राफिक वो है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, अपर लोब में बिजार शेप्ड सिस्ट है, नीचे कम है ऊपर ज्यादा है, और मल्टीपल नोड्यूल्स भी मिलेंगे, तो ये हमारे पास LCH होगा, ठीक है? ये केस नंबर 3, ये भी एग्जाम्स की फिल्म है, ये पिछली भी और ये भी। जी डॉक्टर साइमा अल्ताफ, डॉक्टर रवि। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दीज आर HRCT इमेजेस ऑफ चेस्ट एंड मीडियास एज वेल एज लैंगवेडो एंड एक्सियल सेक्शंस इन व्हिच आई कैन अप्रिशिएट देयर इज मल्टीपल नोड्यूल्स अलोंग द ब्रोंकोवेस्कुलर एंड पेरिफेरल नोड्यूल्स आर सीन एंड आई कैन अप्रिशिएट बायलेटरल सिमेट्रिकल हाइलर लिम्फेडनोपैथी and the fissuring of the and the irregular beaded nodular septal thickening as well. So considering this finding, I'm thinking of sarcoidosis as my first diagnosis. और क्या करेंगे? उसके लिए हम एस लेवल करवा सकते हैं सही है, और क्लिनिकली कोरिलेट करेंगे। बिल्कुल सही बताया, बहुत लाइक लोगों आप सारे, बड़े इजीली आप लोग फिट कर रहे हैं, और यही है जो हमने पीछे चीज पढ़ी थी कि हमने देखा कि इसमें प्रीडोमिनेंट पैथोलॉजी की HRCT में नोड्यूलर है, नोड्यूलर के बाद हमने क्या चीज देखनी कि मल्टीपल नोड्यूल्स है, इसके बाद हमने क्या देखना है, प्लूरा इन्वॉल्व है कि नहीं है, प्लूरा इन्वॉल्व है, ये सारा प्लूरा इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद तीसरी चीज हमने क्या देखनी है, फिशर के अलॉन्ग है, फिशर के अलॉन्ग, ये फिशर में इन्वॉल्वमेंट आ गई, ये तीनों चीजें आ गई, तो हमने ये हमें पता चल गई पेरी लिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन में। पहली लिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले क्या सोचेंगे, सार्कोइड, सार्कोइड सोचा, तो ये जो हमारे डॉक्टर साहब इन्होंने लिम्फेडिनोपैथी भी पिक कर ली, तो ये सारी चीजें मिलके हमारे पास सार्कोइडोसिस की क्लासिक, ठीक है? ये केस 4 है। कोई ले ले डॉक्टर रवि, ये केस आप ले ले। जी सर, दीज आर पोस्ट कंट्रास्ट सीटी स्कैन इमेजेस ऑफ चेस्ट एंड मल्टीपल प्लेन्स, दी lung as well as mediastinal windows are shown. I can appreciate some calcified mediastinal lymphadenopathy, which is predominantly in the pretracheal, hilar, and the prevascular region. In the lung window, I can appreciate bilateral ground glass haze. With no zonal predilection. Mediastinum appears unremarkable. Oh, sorry. Cardiac shadow appears unremarkable. Heart size appears unremarkable. No effusion or pneumothorax is seen. सर, ये जो लिम्फ नोड की कैल्सिफिकेशन है, मुझे एक शेल कैल्सिफिकेशन लग रही है, तो मैं एक शेल टाइप कैल्सिफिकेशन। तो सर, ये या तो सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस हो सकती है जो कि स्टेज 1, बिल्कुल, और ऊपर जो है इसका जो दूसरा डिफरेंशियल इसमें जो आता है वो आपका स्लीकोसिस आता है, लेकिन उसमें लंग में कोई ग्राउंड ग्लास हेज के अलावा कोई मतलब कोई फाइब्रोसिस वगैरह या नोड्यूल्स वगैरह ऐसे कुछ नजर नहीं आ रहे मुझे। यहाँ थोड़े बहुत सटल नोड्यूल्स भी नजर आ गए हैं जो कि सेंट्री लोब्यूलर हैं, तो सिलिकोसिस पॉसिबिलिटी है इसमें। हाँ, ये आप टॉप टू डिफरेंशियल रखोगे, सार्कोइडोसिस और सिलिकोसिस, और ये पेशेंट डायग्नोस्ट केस ऑफ सार्कोइडोसिस था, ये भी एग्जाम की फिल्म है।
सार्कोइडोसिस में हमारे पास बायलैटरल हाइलर और राइट पेराट्रेकियल लिम्फेडिनोपैथी 95% ऑफ द केसेस में मिलती है। 1-2-3 साइन भी जिसको कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है ज्यादातर। और जो सार्कोइडोसिस में भी हमारे पास अपर लंग जोन ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हमने देखा। और क्रॉनिक जैसे जैसे डिजीज प्रोसेस होती है उसमें कैल्सिफिकेशन हो सकती है। जो एक्चुअल कैल्सिफिकेशन है इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर द सिलिकोसिस, सार्कोइडोसिस में भी हो सकती है जैसे अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये 1-2-3-4 साइन है जिसमें हमारे पास राइट पेराट्रिकल लिम्फेडिनोपैथी भी मिल रही है और साथ बायलैटरल सिमेट्रिकल लिम्फेडिनोपैथी भी। ओके, थैंक केस 5 जी, डॉक्टर डॉक्टर मरियम अदनान मैडम, ये आप ले लें। चार सीटी चेस्ट एक्सरे इमेजेस। एक मिनट जी डॉक्टर मरियम। यस सर, आई एम प्रोवाइडेड विद द एचआरसीटी चेस्ट एक्सियल इमेज वेयर आई कैन अप्रिशिएट देयर इज एक्सटेंसिव पेरी सबप्लूरल एम्फाइजीमा एंड मल्टीपल सेंट्रल लोब्यूलर नोड्यूल्स आर अप्रिशिएटेड विद इन द बोथ लंग्स एंड देयर इज पैची ग्राउंड ग्लास ऑपेसिटी इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड इन द पेरी हाइलर रीजन एंड predominantly involving the lower lobe and so this is subpleural emphysema, this is the case of subpleural emphysema. Hello जी जी सर। और हाँ emphysema है और एक और चीज आपने उसमें बतानी है, central lobular nodules randomly distributed and और elephant elephant को पहले देखें, elephant आप मिस करें एलिफेंट सर, एलिफेंट का नहीं होता एंड अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन में बेसल उसमें ज्यादा होती है। नहीं फाइंडिंग्स देखें, फाइंडिंग सर उसमें जो है एम्फाइसीमा है सेप्टल ये क्या है सर बड़ा सा लार्ज बुला फॉर्मेशन ये भी बताना है ना, लार्ज बुला फॉर्मेशन ऑन द लेफ्ट अपर अपर लोब में ये एम्फाइसीमा विद द लार्ज बुला फॉर्मेशन ये भी दिखा सकते हैं जी सर। बस सर इसका एक ही ये तो क्लियरली आई ही डायग्नोसिस थी एम्फाइजीमा था और साथ में बुल्ला फॉर्मेशन। सर प्रीवियस केस में क्वेश्चन है कि ये जो है हमने इसको ये तो सर लेफ्ट साइड वाला तो बुल्ला है, जो राइट साइड में पे है वो भी सर मल्टीपल बुल्लास ही है ना सारे। हाँ ये छोटे छोटे हैं ये सर, इम्परसेप्टिबल वॉल है इसलिए इसको हम वो बनाएंगे एम्फाइजीमेटस चेंजेस राइट साइड वाले सर जो ऐसे। हाँ। और फिर इसको आप ना उसमें क्रोनल में भी देखेंगे, इसमें इंक्रीज लंग वॉल्यूम होगी, एम्फाइजीमा फ्लैट डायफ्राम होगी, एम्फाइजीमा के बाकी चेंजेस भी आपको नजर आएंगे। जी 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 ठीक, थैंक यू। तो ये नेक्स्ट पढ़ना वकास, डॉक्टर वकार ये केस ले लें आप। जी सर, सर मेरी आवाज ठीक है आज? जी जी आवाज आपकी ठीक है वकार जी सर। I am provided with multiple axial section CT plane in which I can appreciate multiple randomly distributed nodules in bilateral lung fields with no zonal predilection. However, I cannot appreciate any ground glass opacification or fibrosis or lymphadenopathy. Based on the random distribution of nodules, my top differential will be miliary metastasis or miliary tuberculosis. Further, I would like to correlate with the history and previous imaging of the patient. And about the history of patient, if he's having night sweats, weight loss, or low-grade fever. ठीक है। सर इसमें तो differentials ही देंगे। Distribution, distribution agree करते हैं आप लोग? कोई और कोई disagree करते हैं distribution से? इसने random बोली है।
एक डेंसिटी देखें इसकी और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे गौर करें। सर ये मैम तो ये ग्राम ग्लास डेंसिटी है, सेंट्रल लोब्यूलर नोड्यूल्स लग लें एचएसपी देखें। सेंट्रल लोब्यूलर इसलिए क्योंकि बायलैटरल दोनों साइड्स को कंपेयर करें ना, दोनों में आपको सिमेट्रिकल और बिल्कुल सेंटर में आपको नजर आ रही है। रैंडम में इस तरह नहीं होंगी, रैंडम में बिल्कुल रैंडमली होंगी। अगर आप दोनों को देखें, दोनों साइड्स को ऐसे लग रहा है जैसे कि मिरर इमेजेस है। दूसरी बात ये कि आप देखें इसके इर्द गिर्द वो जो सेंट्री लोब्यूलर हमारे पास वो जो सेकेंडरी लोब्यूल है उसके सेंटर में इन्वॉल्वमेंट है इसकी। जी सर ठीक सही है, थिन सेक्शंस नहीं है तो लगता है रैंडम है, लेकिन जरा सा गौर करें तो सब प्लूरा थोड़ा सा स्पेयर्ड है मिनिमल सा, तो यानी डिफिकल्ट टू से, लेकिन आपको एग्जामिनर ऐसी फिल्म होगी तो खुद भी गाइड करेगा। तो फिर आपने फिर ये बताना है कि इसमें ग्राउंड ग्लास नोड्यूल्स हैं, सेंट्री लोबुलर हैं। फिर आपने देखना है पेशेंट की हिस्ट्री के साथ को रिलेट करना है। अगर पेशेंट स्मोकर है तो फिर आप क्या सोचेंगे, अगर मैं कहता हूँ RBILD RBILD और मैं कहता हूँ नहीं स्मोकर नहीं है लेकिन इसको कोई, फिर फीमेल है तो सर फिर लिप का सोचेंगे, और अगर सर हाइपर सेंसिटिविटी है, वो पिजन उसने रखे हैं बर्ड्स, तो फिर हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस की तरफ जाएगा। ऐसे ही है, तो जब हम उसमें वो उसकी रिमूव कर देते हैं ना कॉज, तो पेशेंट ठीक हो जाता है, यानी पिजन से अवे कर देंगे। सब एक्यूट, तो इसमें दो दो टॉप डिफरेंशियल्स आते हैं, RBILD और सब एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। ये मेरे ख्याल से RBILD का केस था, और इसमें भी देखें रैंडम नहीं है, ये सेंट्री लोबुलर ग्राउंड ग्लास नोड्यूल्स हैं, ये सारे इसमें भी नजर आ रहे हैं। सर सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि किस तरह हमें पता चलेगा कि ये सेंट्री लोबुलर है या ये रैंडमली है, कोई इसका कोई क्राइटेरिया है जहन में हमारे रखने वाली बात है? आपने ना वो सेकेंडरी लोब्यूल को अपने जहन में रखना है। नॉर्मल HRCT चेस्ट देखें काफी सारे, आप जब देखते हैं ना तो रेडियोलॉजी में ये होता है, हमारे डॉक्टर यूसुफ चौधरी अमेरिकन डिप्लोमेट है, शायद आपने सुना भी हो, एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जहन में एनाटॉमी बढ़ गई ना तो आपको पैथोलॉजी आगे बन जाती है। वो सर कहते थे कि डिजीज जो होती है वो कुछ भी नहीं होती, बट इट इज अ डिस्टॉर्टेड एनाटॉमी। एनाटॉमी में कोई गड़बड़ होती है वो डिजीज होती है, और उसी के पैटर्न को हम रेडियोलॉजी में बनाते हैं। अब आपके जहन में अगर सेंट्री लोब्यूल है वो सेकेंडरी लोब्यूल होगा ना, तो HRCT का ये सेक्शन ही देखते हुए आप देख लेंगे कि आपको उसके सेंटर में ये ग्राउंड ग्लास मिल रहे हैं सारे। रैंडम में इस तरह नहीं होंगे, रैंडम में रैंडमली फैले होंगे। दूसरी चीज आपने देखनी है जो मैंने पहले भी बताया था कि सब प्लूरल स्पेयरिंग होगी सेंट्री लोबुलर में, सब प्लूरा ये सारा इधर लाइन इमेजिनरी कुछ एरियाज में लगता है जैसे इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन प्रीडोमिनेटली अगर आप देखें ये जो मैं येलो लाइन लगा रहा हूँ इसमें कहीं भी ग्राउंड ग्लास नोड्यूल्स इस तरह नहीं आ रहे, ठीक है? तो अगर सब प्लूरल स्पेयरिंग हो रही है तो आपका मोस्ट लाइकली इट इज अ सेंट्री लोबुलर। अगर सब प्लूरल इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो फिर आपने देखना है कि या रेंडमली है या लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू है। अगर लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू है तो पहले लिम्फेटिक होंगे, इसमें हम सार्कोइडोसिस को सोचेंगे। अगर वो रैंडमली है तो जिस तरह पिछले भी डॉक्टर साहब ने बताया था कि मेट्स हो गए, ये बाकी फंगल हो गए या TB हो गया, तो ये सोचेंगे, ठीक? जी सर थैंक यू। ये केस 7 है, इसमें बस हमने आई ट्यून करनी होती है ना। HRCT आप जितने ज्यादा रिपोर्ट करेंगे उसमें की होती है कि जब आप नॉर्मल देखते हैं ना तो उस वक्त आप अपनी आई ट्यून कर लें कि यार इसमें मुझे सेकेंडरी लोब्यूल नजर आ रहा है, ये इसकी पेरिफेरल जो लिम्फेटिक है, ये सेंट्रल में इसकी सेंट्रल आर्टरी है, सेंट्रल में ब्रोंकियोल है, उसमें आपकी आई ट्यून होगी। फिर जब आपको वो रेटिकुलेशंस और उसकी इन्वॉल्वमेंट या नोड्यूलैरिटी नजर आएगी तो आप खुद ही पिक कर लेंगे, तो इट कम्स विद प्रैक्टिस। ओके सर। डॉक्टर आयशा नेक्स्ट केस आप ले लें। प्रोवाइडेड विद CT चेस्ट कंट्रास्ट एक्सियल लंग विंडो इन व्हिच आई कैन सी देयर मल्टीपल नोड्यूल्स आर नोटेड of variable sizes, some are in a subpleural and some are in the subpleural base and some are in the left lower lobe and some are in the central, in the right lower lobe. Apart from this, I can see some cavities also, subpleural base cavities also in this, with ground glass attenuation also noted, with ground glass attenuation, and the nodules in which some are subpleural. So my diagnosis is on the basis of this. These are the subpleural multiple nodules. I think it goes for the subpleural base is for the sarcoidosis, and
सिलिकोसिस विद अभी देखे ना मैं आपके पास जब एग्जाम आएगा ना का जब स्टेशन लगेगा तो उसमें सिर्फ एच आर सी टी नहीं लगेंगे तो ये तो विद कॉन्ट्रास्ट सीटी है ना तो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस से आगे भी आपने सोचना है। दूसरी बात जितने भी हमने पहले डिस्कस किया है पैटर्न उसमें हमने कैविटेटरी वो नहीं डिस्कस किया था नोड्यूल इसमें आपको कैविटेटरी नोड्यूल मिल रहा है ठीक है हाँ और इसमें आपको इसके अंदर वेसल जाती हुई नजर भी आ रही है इसको फीडिंग वेसल साइन कहते हैं नजर आ रही है जी 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 क्या बन गया दैट इज ये पल्मोनरी एवी मालफॉर्मेशंस बन जाएगा सब सेप्टिक एम्बोला की तरफ जाएगा सेप्टिक एम्बोला है सेप्टिक एम्बोला फीडिंग वेसल साइन इसके लिए काफी स्पेसिफिक होता है तो ये सेप्टिक एम्बोला है सेकंड डिफरेंशियल इसमें हम कैविटेटरी मैट्स भी सोच सकते हैं जी सर इसमें क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया सोच सकते हैं हाँ सोच सकते हैं बिल्कुल सोच सकते सर वैगनर्स भी तो बन सकते हैं वैगनर्स भी हाँ इसके डिफरेंशियल में आएंगे फिर आप हिस्ट्री में कोरिलेट करेंगे कैविटेटरी में वैगनर्स भी आप देंगे और जिस तरह इसने कूप का ना तो कूप भी अनयूजुअली इस तरह कैविटेटरी भी हो सकता है इस तरह का और उसमें जो आगे हम देखेंगे केस को डिस्कस करते हैं कोई डायग्नोसिस बता दे इसके एच आर सी टी के तो रिलेटेड नहीं है चाइल्ड है ये 3 इयर्स ओल्ड फॉरेन बॉडी राइट फॉरेन बॉर्ड ये भी लगाते हैं उसमें ब्रोंकिया में आपको नजर फिर हाइपर इन्फ्लेटेड लंग होगा और साथ उसमें इंक्रीज एटीन्यूएशन होगी डिक्रीज एटीन्यूएशन होगी सॉरी इसमें ये म्यूकस प्लग नहीं लग सकते सर लास्ट पर दिखाएगा फॉरेन बॉडी या म्यूकस प्लगिंग रिजल्टिंग इन दी ईयर ट्रैपिंग ये कोई ले ले जी सर these are multiple images of HRCT, both coronal and axial slices and images MRI images of the brain. And on MRI image of the brain, I can see multiple areas of altered signal intensities noted on the cortical regions bilaterally that are hyper intense on flare images. And I can also appreciate a well-defined rounded nodule in subependymal region in the left lateral frontal lateral ventricle and in the lungs I can see multiple cysts that are uniform in size and scattered throughout the lungs field both apical middle and lower fields so after concluding my finding this is a case of the tuberous sclerosis in which there are multiple tubers in the brain with Seega formation and in the lungs lymphangeal leiomyomatosis changes further I will also do ultrasound of the kidneys to see angiomyolipomas agar aapke paas aisa aant mini case aata hai na to isme aapne na maximum number lene hai theek hai aapke teen stations hote hain अगर आपका आउटस्टैंडिंग स्टेशन हो जाए ना तो वो कंपनसेट भी हो जाता है इन माय एक्सपीरियंस मेरा एक स्टेशन पहला स्टेशन एमएसके का बहुत बुरा हुआ था एमएसके और वो लेकिन मेरा जो आखिरी स्टेशन था ना वो जिसमें जीयूटी होता है और जीआईटी वो मेरा आउटस्टैंडिंग हुआ था और उसने मुझे लगता है कि कंपनसेट कर दिया क्योंकि मैंने फिर अपना स्कोर भी देख लिया था और उसमें 7 में 7 होते हैं या 14 होते हैं ना 14 के 14 में मुझे ई मिला था तो ई मैक्सिमम होता है तो वो फिर आपको कंपनसेट करता है तो उसका की होती है अगर आपने केस पकड़ लिया ना अभी आपने एग्जामिनर को बोलने नहीं देना जब आप एग्जामिनर को बोलने देंगे ना वो आपको फंसा देगा और एग्जामिनर के पास 20-30 साल का तजर्बा है और जो केस वो लाया ना वो उधर से अंदर बाहर होके उसने पढ़ के भी आया हुआ वो बंदा उसको उस केस के बारे में पता है आपने उसको चांस नहीं देना आपके पास 3 मिनट होते हैं जल्दी जल्दी अगर आप अपना केस इसी तरह जिस तरह ये डॉक्टर साहब ने बताया सारी फाइंडिंग्स आपने बोल दी तो एग्जामिनर कुछ और पूछेगा ही नहीं एग्जाम फिल्म नीचे रख देगा दूसरी फिल्म निकाल देगा ठीक है तो ये आपका स्लैम डंक कहते हैं ना उसमें बास्केटबॉल में स्लैम डंक आपने करने ऐसे केसेस को तो एक्सीलेंट डॉक्टर साहब थैंक यू
सर ये ब्रेन वाली फाइंडिंग्स प्लीज दोबारा बता दें। हाँ ये कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल हाइपर इंटेंसिटीज आ रही है ना, ये ट्यूबर्स हैं, और उसके बाद आपको ये थर्ड वेंट्रिकल के भी इर्द गिर्द ये एक सिग्नल आ रहा है, तो ये मोस्ट लाइकली सेगा इसमें पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में हम देखेंगे इसमें किसमें इनहेंस करेगा एवर्डली। नेक्स्ट जी डॉक्टर सादिया मैडम, डॉक्टर सादिया सईद जी मैडम। जी सर हाँ, दिस इज एचआरसीटी चेस्ट एक्सियल इमेज इन विच subpleural and peripheral ground glass opacities are seen in the right middle and lower zone and left angular segment. These ground glass opacities no any other abnormality, honeycombing or reticulation is seen. Features of this ground glass opacity is suggestive of cryptogenic organizing pneumonia. Differentials include hypersensitivity pneumonitis. Hypersensitivity क्यों? No sir, surface में तो nodules होते हैं hypersensitivity. सर ये cryptogenic organizing pneumonia ही है. है cryptogenic organizing pneumonia, लेकिन आजकल आप लोगों को COVID भी बोलना चाहिए. जी सर. Differentials include COVID. Differentials में COVID सबसे बड़ा COVID. Atypical viral pneumonia. अच्छा ये क्या? Sir, this is a same patient. हाँ जी sir. Sir ये एक nodule है with ground glass haze centrally and peripheral dense consolidation. Sir ये reverse halo sign दे रहा है. और दूसरा इसको क्या कहते हैं? Reverse halo sign और at all sign. At all sign, जी. ये center में ground glass और periphery में consolidation. Consolidation, reverse. और अगर center में consolidation हो और periphery में ground glass हो तो वो क्या बनेगा? वो hello sign होगा सर. और वो किसमें होता है? वो है सर, वो invasive aspergillosis में होता है. Invasive, जी invasive में होता है. जी. तो ये देख लें 19% में पाया गया था ये जो स्टडी हुई, तो इसमें सेंट्रल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी विद पेरिफेरल कंसोलिडेशन. हेलो सर जी. चलो ये तो आसान केस है कोई. जी डॉक्टर रवि सर आप ले लें. जी जी अस्सलाम वालेकुम. दीज आर एक्सियल एंड कोरोनल एचआरसीटी इमेज ऑफ चेस्ट एंड लंग विंडो इन व्हिच आई कैन अप्रिशिएट multiple irregular cysts of variable sizes are seen within bilateral upper zones. However, no rest of the lung parenchyma appears unremarkable, and no pneumothorax or pleurisy identified. So if this patient is smoker, I'm thinking of Langerhans histiocytosis as my diagnosis. इस पेशेंट इज स्मोकर तो है, स्मोकर तो है, लेकिन एलसीए है कि नहीं सर? ये सेंट्रल लोबुलर एम्फाइजीमा तो हो सकता है क्योंकि इसमें जो है ना वॉल डिफाइनेबल नहीं. देखा तो उसमें कोर्स होती है. जो दूसरी हमने डिजीज सिस्टम के हमने तीन डिजीजेस टॉप थ्री देखी ना, कोर्स अगर है, इररेगुलर सिस्टे है, अपर लोब में नोड्यूल्स है, एलसीएच. अगर डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट है, स्मूथ है, यूनिफॉर्म है, थिन वॉल्ड है, तो हमारे पास लैम, सात अलग एसोसिएशंस भी जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया था. जी जी. और तीसरी एक चीज है जिसमें इम्परसेप्टेबल वॉल हो तो वो फिर हमारे पास इम्फिजीमा होता है. इम्फिजीमा लंग वॉल्यूम देखे कितना इंक्रीज हुआ है, ये देखे कितना ज्यादा इंक्रीज है, तो वो फिर आपने ये चीज भी देखी. नेक्स्ट केस ये भी मेरे एग्जाम में लगा था. सर इसमें तो मल्टीपल बिजार शेप्स हैं, वेरिएबल साइजेस की. नो न्यूमोथोरैक्स इज आइडेंटिफाइड. हाउएवर देयर इज एविडेंस ऑफ सम ट्रैक्शन ब्रोंकाइटिस सीन इन द. सो सर इसमें एलसीएच रख सकते हैं, एक नोड्यूल भी आ रहा है एक लॉन्ग इन द इंटीरियर सेगमेंट ऑफ द लेफ्ट अपर लोब. अब यही बात मैंने आपको बताई थी ना एग्जाम में, बायस नहीं होना. कुछ तो क्लूज होते हैं, जैसे चेस्ट में आखिरी दो
हमें सीवीएस दिखाए ना, तो फिर आप सीवीएस सोच सकती हो। लेकिन अगर आपको लगेगा तो जरूरी नहीं है कि ये चार सिटी में दिखा रहा हूँ तो सारे के सारे उसी पैटर्न पे होंगे। तो इसमें चलें आपको सिस्टम तो लग नहीं है, एक इमेज है वहाँ मल्टीपल होंगी, लेकिन उन सिस्टम में देखें कि आपको ब्रोंकिया के साथ ये कंटिन्यू हो रहे हैं। ये देखें इधर जी भी जी सारे ब्रोंकिया के साथ, तो दिस इज एक्चुअली द ब्रोंकिक टेस इज प्रीडोमिनेंट। ठीक है, साथ आप ओके ब्रोंकियल वॉल की थिकनिंग देखें, पहले ब्रोंकियल थिकनिंग है और डायलिटेशन है सिस्टिक, और ये एक और आपके पास इमेज आ गई। तो प्रीडोमिनेंट पैथोलॉजी आपने देख ली, तो इसमें आप क्या डायग्नोसिस बना सकते हैं? सर ये तो ब्रोंकिक टेस्ट से सेकेंडरी टू सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है। हाँ ये इसके डायग्नोसिस। इसके अलावा मेरे पास एक और केस लगा था, चेस्ट एक्सरे लगा था, फिर एच आर सी टी लगा था, जिसमें सेंट्रल हमारे पास वो थी, मेरे पास उसमें सेंट्रल ब्रोंकिक्टेसिस थी, तो उसमें क्या डायग्नोसिस होगी? सर वो एबीपी है, एलर्जिक एबीपीए। हाँ ये मेरा एग्जाम केस था एबीपीए का। तो ये ना आपको ये दो पैथोलॉजीज भी पता होनी चाहिए, कॉमन एग्जाम केस। सर सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो है ये सिस्ट्स पेरिफेरल होंगी? हाँ सेंट्रल भी हो सकती है, अपर लोब इन्वॉल्वमेंट होती है, ब्रोंकियल थिकनिंग और ये सारी चीजें होती है। और सेंट्रल ब्रोंकिक्टेसिस जो होती है वो एबीपीए में होती है। नेक्स्ट करने डॉक्टर जिशान सर, सेंट्रल सेंट्रल का मतलब है कि लंग के सेंट्रल पार्ट में? जी जी बिल्कुल। ओके डॉक्टर वकार सर ये केस आप ले लें। सिटी चेस्ट एक्सियल व्यू लंग विंडो इन विच आई कैन अप्रिशिएट मल्टीपल वेरिएबल साइज्ड सब प्लूरल honeycombing is noted in the basal with basal and subpleural regions, no ground glass pacification noted, no other pathology noted based on imaging findings. It is likely usual interstitial pneumonitis. Sir, क्लासिक हनीकॉम्बिंग नहीं है, हनीकॉम्बिंग में ना मल्टीपल लेयर्स होती है, इसमें सिस्टे हैं, लेकिन उस तरह हनीकॉम्बिंग की जो लेयरिंग होती है उस तरह नहीं है। उसके अलावा इसकी बैकग्राउंड में ग्राउंड ग्लास आपको नहीं लग रही है, जो है सी आ रही है सारा, ये सारा जो एरिया है ग्राउंड ग्लास पैसे नहीं लग रही, उसके बैकग्राउंड में सिस्टिक चेंजेस हैं एग्री, लेकिन उस तरह लेयरिंग नहीं बन रही जिस तरह हनीकॉम्बिंग की होती है। एटलीस्ट तीन लेयर्स होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमारे पास सब प्लूरल रेटिकुलेशंस नजर आ रही है, तो अभी क्या बनेगा? और थोड़ी सी सबप्लूरल स्पेयरिंग भी है, ये देखें इस जगह थोड़ी सी स्पेयरिंग भी नजर आ रही है। जी सर बिल्कुल है। तो ये सारी फाइंडिंग सर ये एनएसआईबी पैटर्न। और इसमें एक और चीज है, कोई बताएगा? ईसोफेगस डायलेटेड है सर। हां तो क्या बन गया? स्क्लेरोडर्मा बन गया सर। स्क्लेरोडर्मा के साथ ना ये पैटर्न आ सकता है एनएसआईबी का। जी सर ये भी आपने इसकी ना, जब आपके पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज आ गई तो आपने ईसोफेगस को भी देखना है, कहीं आप सीएटेड वो तो नहीं दिखा रहा, स्क्लेरोडर्मा भी दिखा रहा, क्लासिक एग्जाम फिल्म है ये। सर एक क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास एनएसएपी का। हाँ हाँ बोले जी जी। सर जो ये वाला केस है इसमें अगर आप पेरिफेरली देखें सो देयर इज पेयरिंग, सो इसको ब्लैक प्लूरा साइन कहते हैं, ब्लैक प्लूरल, एंड ये एनएसआईपी में होता है, एंड दैट इज वन थिंग व्हिच डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम यूआईपी। हाँ ये है बिल्कुल, सब प्लूरल स्पेयरिंग जो होती है, यही मैंने इस तरफ यही दिखाई है, ये जो बना है ये भी हमारे पास देखें पेरिफेरल। सर एक हाँ? एक मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये मैडम ने जो कहा कि ब्लैक प्लूरा साइन, हाँ? तो वो तो आएगा उसमें सर जो पल्मोनरी जो होता है इसमें कैल्सिफिकेशन जो होती है सर, उसमें नहीं आएगा एलुलर माइक्रोलिथियासिस में सर, इसमें तो सब प्लूरल स्पेयरिंग का वर्डिंग होता है ना, मतलब प्लूरल स्पेयरिंग मैंने भी यही पढ़ रहा है। जी जी ब्लैक प्लूरा तो वो उसमें आएगा। जी सर जी डॉक्टर जी डॉक्टर नहीं ये जो है सब प्लूरल स्पेयरिंग के ये वर्ड दिया हुआ है सब प्लूरल स्पेयरिंग एंड दिस आल्सो कम्स इन एनएसआईपी।
जी हम बोल जी जी मैडम ठीक है। तो हमने ये चीज ही देखनी है, देखें ये डिफरेंशियल करना मैंने जो पहली स्लाइड लगाई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूआईपी एनएसआईपी है। यूआईपी आप पेशेंट को कह रहे हैं ना, तो पेशेंट के लिए आप एक उसके ऊपर एटम बम गिरा गिरा रहे हैं कि उसकी बहुत गंदी प्रॉब्लम है। तो यूआईपी में ऑब्वियस एपिको प्लूरल ग्रेडियंट होता है, एनएसआईपी में नहीं होता। यूआईपी हेट्रोजीनियस होता है, एनएसआईपी होमोजीनियस ज्यादातर होता है। प्रीडोमिनेंट एनएसआईपी में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होती है, यूआईपी में हनी कॉम्बिंग होती है। ट्रैक्शन केसेस दोनों में होती है, ज्यादा यूआईपी में, ये भी सेम केस। चलें जी नेक्स्ट एग्जाम केस है, ये भी सारे रियल एग्जाम फिल्म है। जी सर ये ले ले मैडम केस। जी सर I'm provided with the CT chest, axial images with the lung window and mediastinal window. Here I can appreciate multiple consolidation that are very higher in location and predominantly involving upper lobes, and there is a pleural sparing and some nodule on reticulation is also appreciated at the lung basis, and large coalescence consolidation in very hilar region and mediastinum. I cannot sir images bahut chote chote se hain, I cannot appreciate any mediastinal lymphadenopathy sir ho rahi hai, thodi si appreciate more on right side. So my diagnosis is progressive massive fibrosis along with the multiple. There is also ground glass haze is also noted anteriorly. So I will make this progressive massive fibrosis or silicosis. And सही है, pneumoconiosis और silicosis और coal worker pneumoconiosis और silicosis में कैसे differentiate करते हैं, किसी को पता है तो बता। सर सिलिकोसिस में जो है हमारे पास हाई डेंसिटी ओपेसिटीज होती हैं और उसमें स्मॉल नोड्यूल्स हमें सर सिलिकोसिस अपर जोन को प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व करती है और बाकी लोअर को। सही, कोई और पॉइंट किसी के जहन में, मैंने कुछ पढ़ा था अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो भी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है सिवाय एस्बेस्टोसिस के वो सब जो है ना अपर लोब में करते हैं। एक डिफरेंशियल पॉइंट था वो मेरे ज़हन में बिल्कुल नहीं आ रहा सर, उसकी सैंड लाइक होती हैं, मतलब शाइनी नोड्यूल्स होती हैं, हाई डेंसिटी नोड्यूल्स, हाई डेंसिटी नोड्यूल्स। चलो मैं जो मेरा ज़हन में पॉइंट था वो मैं देख के मैं पढ़ लूंगा फिर आपको बता। ये भी सेम केस है, ये भी सेम केस। तो इसमें हमारे पास पेरिलिम्फेटिक माइक्रोनोड्यूल्स होते हैं लेकिन अपर लंग जोन जो होता है उसके साथ हमारे पास प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस भी हो सकता है, जैसे कि आपने इसमें देख लिया। जो सिलिका होती है वो भी लिम्फेटिक्स के अलोंग आती है, तो उसमें सेंट्रीलोबुलर भी मिल सकते हैं और पेरिफेरल सेकेंडरी पल्मोनरी लोबुल में भी हो सकते हैं, क्योंकि लिम्फेटिक्स दोनों जगह और 1-3 millimeter इनका साइज होता है नोड्यूल्स का। नेक्स्ट केस डॉक्टर अंबर ले लें आप। आई एम प्रोवाइडेड विद स्पॉट इमेज एचएसईटी स्पॉट इमेज लंग विंडो इन व्हिच आई कैन अप्रिशिएट मल्टीपल कंसोलिडेशंस इन्वॉल्विंग बोथ अपर and lower zones of the both sides of the lung in both in the subpleural central and peripheral distribution. I cannot appreciate any cavitating lesion or differential density or any other calcification. The visualized parenchyma of the lungs appears normal. Findings are in keeping with infectious enterology.
my top differential would be PCP pneumonia. Other differential could be eosinophilic pneumonia. Eosinophilic कौन सा pneumonia? Sir, chronic या cryptogenic. ये आपने जो देखें इसमें इसी तरह पैटर्न में चलें जो एचआरसीटी का हमने देखा. प्रीडोमिनेंट एबनॉर्मेलिटी क्या है? कंसोलिडेशन. फिर हमने देखा है प्रीडोमिनेंट उसकी लोकेशन क्या है? अपर लोब्स में है और पेरिफेरल ज्यादा है. ठीक है जी सर. तो इसमें आपके पास पेरिफेरल कंसोलिडेशन में दो चीजें आती है जहन में, या तो क्रॉनिक यूसिनोफिलिक निमोनिया आता है या फिर आपके पास आ जाते हैं कूप जो हमने देखा था. ठीक है. इन दोनों को डिफरेंशियल करने के लिए एक पॉइंट ये होता है कि जो कूप होता है ना वो फिशर को क्रॉस नहीं करता, और जो हमारे पास क्रॉनिक ईयोसिनोफिलिक निमोनिया होती है वो फिशर को क्रॉस करती है. ठीक है. उसके बाद उसकी हिस्ट्री भी होगी और इसमें ब्लड में देखेंगे तो उसमें भी ईयोसिनोफिलिक ईयोसिनोफिलिक काउंट जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी ईयोसिनोफिल्स की इन्फिल्ट्रेट्स की वजह से ये बनते हैं, और पेरिफेरल ईयोसिनोफिलिया ब्लड में हमारे पास होगा. तो ऐसे पेशेंट को हम स्टेरॉइड्स देते हैं, बड़ा अच्छा इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं. तो इसका ये होमोजीनियस कंसोलिडेशन या ग्राउंड ग्लास टेस्टिंग होंगी जो पेरिफेरल होंगी, ज्यादातर अपर लोब प्रीडोमिनेंट होंगी और माइग्रेटरी होंगी. ठीक है. और साथ अगर फिशर को क्रॉस करनी है तो इट मोर फेवर्स द ये क्रॉनिक यूसिनोफिलिक निमोनिया. तो ये लास्ट केस है, ये आप डिस्क्राइब करें. मैं थोड़ा मुझे दो मिनट की ब्रेक है, डिस्क्राइब करें. डॉक्टर नहीं मैं आप इसको ठीक है सर. वकार आप ले लेंगे. सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ. सर ने कहा कि जो फिशर्स को क्रॉस करेगा वो ईयोसिनोफिलिक निमोनिया होगा ना? यस यस यस. ठीक है सर. थैंक यू सर. जो नहीं करेगा वो क्रिप्टोजेनिक. वन ऑफ द स्पॉट इमेजेस ऑफ एचआरसीटी चेस्ट इन व्हिच आई कैन appreciate multiple variable sized cysts scattered in bilateral lung fields. कोई समराइज कर देगा क्या क्या होता है? हो गया कंडक्ट? जी मैडम. जी कर रहे हैं सर. जस्ट सिस्ट का बताया डॉक्टर. अच्छा जी सर. Sir, I am provided with one of the spot images of HRCT chest in which multiple variable sized cysts are noted in bilateral lung fields. Sir, no definite cyst walls appreciated. Sir, image या तो image ऐसा या मुझे अच्छी नहीं appreciate हो रही cyst walls. सही है. तो sir उस base पे मैं तो फिर सर एम्फिसीमा की लाइन पे ही सोच रहा हूँ इसको. लेकिन सेंट्रल लोबुलर नहीं है, पैरासेप्टल क्या है? पैरासेप्टल भी नहीं है. सर फिर तो दूसरा फिर डिफरेंशियल माइंड में सर अगर स्मोकर है तो फिर एलसीएच की लाइन पर ही. लेकिन एलसीएच में हमने देखे थे उसमें बिजार शेप्ड होती हैं. सर फिर अगर फीमेल है तो फिर सर लैम. लैम में हमने देखा था कि काफी सिमेट्रिकल और इस तरह की एनवायरनमेंट. और ये मेल सिटी की इंटरस्टिशियल निमोनिया नहीं हो सकता? सर एक बर्ड डॉग डूब सिंड्रोम होता है. हाँ 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 वो भी है. लेकिन ये लिप है, इसमें ग्राउंड ग्लास भी है जो कि थोड़ा सा ग्राउंड ग्लास भी आपको पैची से मिल रहे हैं और साथ आपको सिस्टे भी मिल रही है. इसके बाद फिर आप बोलेंगे कि अगर इसका जोगरन सिंड्रोम के साथ बड़ा ज्यादा एसोसिएशन है, तो अगर ऐसी कोई एसोसिएशन है तो ये लिप होगा. और इसके साथ आपको निमोथोरिक्स भी दिखा सकते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन में आपके. ठीक जी सर. तो ये लिम्फोइड इंटरस्टिशियल निमोनिया का वो था. जो बर्ड हॉक ड्यूबे सिंड्रोम होता है ना उसमें सिस्टें होती हैं बिल्कुल नो डाउट, लेकिन वो ज्यादातर लोअर लोब्स में होती हैं. लोअर लोब प्रीडोमिनेंट होती है, सब प्लूरल होती है. ठीक है जी जी सर. ऐसा ही है. तो हमारे पास जब सिस्टें आती है ना तो ये चार चीजें सोचते हैं. कॉमन तो ये एलसीएच सोचते हैं या एम्फाइसीमा सोचते हैं. उसके बाद बाहर आप सोचेंगे तो बर्ड हॉक ड्यूबे सिंड्रोम सोचेंगे. ये क्रोमोसोमल डिस है
जिसमें आपको रीनल ट्यूमर दिखाएंगे, मेरे ख्याल से में क्रोमोफोब होते हैं ना, ऑन्कोसाइटोमास होते हैं, नीचे आपको ट्यूमर मिलेगा रीनल में, ऊपर आपको सिस्टे मिलेंगे, ठीक है जी सर। दिशा हाँ, तीसरी चीज जो होगी वो आपको लिप मिलेगी। तो सिस्टिक लंग डिजीज में ये चार डिफरेंशियल आपने सोच, LCH बिजार शेप्ड लैम, स्मूथ बायलैटरल सिमेट्रिकल ज्यादातर एसोसिएशन उसकी देख लें, लिप, लिप में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज भी होंगी, साथ उसकी न्यूमोथोरेक्स भी कॉम्प्लिकेशन होगा, और जो लास्ट में हमारे पास आ गया बर्ड हॉग ड्यूबिसिटी। ठीक, अच्छा मेरे पास एक और भी केसेस है, अगर आपने लोगों ने करने तो देख लें, एक दो केसेस मेरे ख्याल से और। जी सर कर लेते हैं सर। सादिया आप ले लें। ओके, दीज आर दी सिटी स्कैन इमेजेस ऑफ मीडियास्टिनल विंडो एंड द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन, सो इन विच आई कैन सी, जो फर्स्ट है उसमें जो कार्डियक साइज है वो नॉर्मल है, बट इट्स राइट साइड हार्ट, एंड आई कैन सी द लीवर इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो और साथ में इसमें ये सारा एक ही केस है सर, दोनों साइड पे जो है जी जी एक एक ही। ओके बस कंक्लूड करना फाइनल। तो सर ये बेसिकली जो है कार्टाजिनस सिंड्रोम है, और इसमें फर्दर जो है मैं वो इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री लूंगा, और सही यही डायग्नोसिस है, प्राइमरी सीलरी डिस्काइनेजिया और कार्टाजेना सिंड्रोम, इन दोनों में क्या फर्क है एग्जाम के हिसाब से? सर एक ही चीज का नाम है सर, मैं बता दो। जी जी बता दे सर, कार्टाजेनार में जो लोअर जोन में लंग के बायलेटरल ब्रोंकोएक्टेटिक चेंजेस मिलेंगे तो हम इसको कार्टाजेनार कहेंगे, वैसे प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेसिया में राइट साइडेड कार्डियक अपेक्स होगा और लेफ्ट साइड पे वही लिवर होगा और राइट साइड पे स्टमक बबल नजर आएगा, तो फिर उसमें साइटस इनवर्सस में क्या फर्क हो जाएगा? ये तो आप साइटस इनवर्सस बता रही हैं। ये क्वेश्चन था मेरे एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था। कार्टाजेनर में डेक्स्ट्रोकार्डिया, ब्रांकाइटिस और साइनोसाइटस, ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं। सही। और उसके साथ इनफर्टिलिटी वर्कअप करते हैं। और कार्टाजेनर में यही, कार्टाजेनर में यही होता है, कार्टाजेनर में डेक्स्ट्रोकार्डिया और सीलरी डिस्काइनेसिया में क्या होगा प्राइमरी सीलरी? सर ये डेक्स्ट्रोकार्डिया के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेसिया। कार्टाजेनर के थ्री एलिमेंट्स है ना, डेक्स्ट्रोकार्डिया, ब्रांकाइटिस एंड साइनोसाइटस, और इनफर्टिलिटी का वर्कअप करेंगे। जी सर ठीक है ठीक। अगर तीनों एलिमेंट्स फुलफिल है कार्टाजेनर, अगर इनमें से कम को वैसे तो प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेसिया, अगर अकेले है तो। सही, एक्सीलेंट, ये आंसर है इसका। सर यही तो मैंने भी बताया था। जी जी आपने यही बताया था। ये कोई ले ले नेक्स्ट केस। सर असलम असलम भाई। जी सर रहीम, एक्सियल सिटी इमेजेस, HRCT एक्सियल एंड कोरोनल सेजिटल इमेजेस, there is a upper lobes are unremarkable, there is periceptal emphysema in the left lung,
interstitial thickening, septal thickening in the perihilar bilateral locations with cystic deficiencies. And these are linear tram-track appearance in the right and right lower lobes. The trachea is widened. ये सर ब्रांकाइटिस का कैसे और उसके साथ एम्फाइजिमा है, एम्फाइजमेटस चेंजेस है, ब्रांकाइटिस है और ये लोअर लोब पे जो है ना, राइट लोअर लोब पे जो है ना एक पेच ऑफ कंसोलिडेशन बन रहा है और ये ट्रैम ट्रैक अपेरेंस भी है और पेरिहाइलर जो है ना बायलेटरल पेरिहाइलर सिस्टिक ब्रांकाइटिस भी है और ट्यूबुलर भी है और एम्फाइजमेटस भी है और एक इसमें तो इंफेक्टेड ब्रांकाइटिस का लग रहा है सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड सारी फाइंडिंग्स आपने बता दिए लेकिन कंक्लूड आप उसको ये इन्फेक्शन ये ब्रांकाइटिस में सुपर एडेड इन्फेक्शन लग रहा है ये राइट लोअर लोब आपने बता दी थी बस फिर आपने फाइनल इसमें पहुंचना होता है कि इसकी कॉज क्या है तो इसकी कॉज ये है सर ये किस चीज का केस है ये मोनियर कॉर्न सिंड्रोम का है जिसमें ट्रेकियो ब्रोंकियो मेगेली आपको मिल रही है ट्रेकिया देखिए कितना वाइडेंड है और उसके साथ आपको मल्टीपल एरियाज ऑफ ब्रोंकिक्टेसिस है फिर कंसोलिडेशन भी कुछ एरियाज में आपको मिल रही है पेरिब्रोंकियल थिकनिंग भी है तो ये मोनियर कॉर्न का क्लासिक केस है ठीक है रेयर सिंड्रोम है मेरे ख्याल से लेकिन ये क्लासिक केस एग्जाम फील्ड में है तो थैंक यू वेरी मच मैंने इतनी स्लाइड्स की थी कुछ केसेस शायद रह गए तो हम नेक्स्ट में कर लेंगे और होपफुली आपका अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया होगा मेरा खुद रिवाइज हो गया जज़ाकअल्लाह एक्सीलेंट एक्सीलेंट क्लास डॉक्टर जिशान अल्लाह पाक ब्लेस यू सर बस मेरे पास उधर जी जी बोलिए सर वो एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए वो जो आपने बताया था निमोनिया एंड क्रोनिक निमोनिया का डिफरेंस फिशरिंग वाला आप सीटी पे बता दें प्लीज वो फिर केस में लगाऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में तो आपका ये क्वेरी मैं हल करूंगा दोनों लगा के कि कैसे वो क्रॉस करता है नहीं करता मेरे पास अभी कोई इतने खाली स्पॉट इमेजेस हैं तो इसमें स्पॉट इमेज में बताना मुश्किल होता है थैंक यू जज़ाकअल्लाह सर थैंक यू सो मच आप गिलगित से ट्रैवल करके इस्लामाबाद आए स्पेशल क्लास देने के लिए सर हैट्स ऑफ टू यू सर आया तो किसी और मकसद के लिए था लेकिन क्लास मैंने कहा चलो इस बार में क्लास भी हो जाए नहीं आपने हमें इस काबिल तो समझाना कि आप हमारी क्लास लें और नेट के इशू की वजह से आप स्पेशल सर हैट्स ऑफ टू यू सर अगेन नहीं आप लोगों से मैंने सीखा है काफी डॉक्टर नईम जो है और डॉक्टर नस्मा और बाकी सारे जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे ही मिले और अपने एग्जाम पास है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना नॉलेज शेयर करें आपसे तो अच्छा कनेक्शन मुझे वहां मिल गया तो होपफुली मैं आप लोगों की और क्लासें भी लूंगा अगर आप लोग मिलेंगे और किसी की कोई क्वेरी हो बाकी नेक्स्ट क्लास में भी कुछ अच्छा सीटी के केसेस देख लेंगे और ये रिवाइज कर लेंगे ताकि हमारी वो अप्रोच जो है वो पक्की हो जाए ठीक है इंशाल्लाह सर बात कहनी थी जी जी सर आज डॉक्टर वकार की आवाज बहुत ऊंची आ रही थी मैडम उनको स्पेशली एडवाइस किया था कि माइक का इश्यू सॉल्व करके आए वकार का टेम्पो बन रहा है ना टेम्पो बन रहा है ना सर एक बात कहनी थी जी जी कहें मैडम सर क्लास में डॉक्टर अंबर क्यों टॉन्ट करती हैं सारे पार्टिसिपेंट्स को नहीं नहीं वो टॉन्ट नहीं करते आपको फील सर दिशान इसमें आपने जो पहला स्लाइड लगाया था जिसमें एलसीएस था और उसकी जो है ना वो ज्यादातर जो उसका स्काउट जो व्यू लगा था वो स्काउट व्यू पे उसका बेजल स्पेयरिंग जो है ना वो क्लियर नहीं था और पीसीपी से उसका डिप्रिशिएशन करना वो काफी मुश्किल था क्योंकि ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज विद जो पेरिहाइलर सिस्टिक फॉर्मेशन जो थी
वो उसको ज्यादा टच कर रही थी। ये वाला आप कह रहे हैं, ये देखे ना, ये जो स्काउट व्यू आपने लगाया ना, इसमें वो जो बेजल स्पेयरिंग होती है, एलसीएच की जो टिपिकल फाइंडिंग होती है बेजल स्पेयरिंग, इसमें देखो इसमें जो स्काउट व्यू है इस पे नहीं अप्रिशिएट हुआ। बाकी जो स्लाइड है इस पे टिपिकल ग्राउंड ग्लास और सिस्ट फॉर्मेशन है ना वेरी हाई लेवल, तो पीसीपी से इसको कैसे हम सेपरेट, हिस्ट्री इसके बगैर तो नहीं कर सकते ना, नहीं हिस्ट्री के बगैर नहीं कर सकते। एड्स और एचआईवी की हिस्ट्री अगर ना हो तो इसको तो मुश्किल है। इसमें देखे ना एग्जाम में वो ये नहीं देखते कि आपकी एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है, वो आपकी अप्रोच देखते हैं। अगर आप इस तरह बोल के ना साथ आप डिफरेंशियल में ये भी बोल रहे हैं कि पीसीपी नमोनिया का भी डिफरेंशियल दे रहे हैं कि एचआईवी के साथ को रिलेट करूंगा, क्योंकि जो मेरे पहले दो स्टेशन वो है ना जो मैंने अभी तक पास किए पहली दफा भी अटेम्प्ट में भी दूसरे अटेम्प्ट में भी, मेरा एमएसके पिछली दफा बहुत बुरा हुआ था और मैं समझ रहा था मैं उसमें फेल हूंगा, उसमें मैं पास था। क्यों? क्योंकि मैं डिफरेंशियल्स देता था और चीज को बोलता था और बोल के उसको जस्टिफाई करता था। ठीक है, एग्जाम लक पे भी बेस करता है लेकिन साथ आपकी अप्रोच भी देखी जाती है, जो आपके चीजों में कंट्रोल आपके हाथों में जो चीज है ना वो तो आपने करनी करनी है। तो अगर ऐसा केस लगता है तो आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, मैं आपको इसमें पास करूंगा, बेशक आप इसमें पीसीपी दे दें, बेशक आप इसमें एलसीएच दे दें, दोनों ठीक है, लेकिन आपका थिंकिंग आपने जो सोच रहे हैं ना वो आपने एग्जामिनर को बताना है। एग्जामिनर आपके जहन के अंदर नहीं जाएगा, हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों लेकिन आपने वो कॉन्सेप्ट्स लाउड करके पेशेंट उसको डॉक्टर को कन्वे करने, तो आपकी थिंकिंग बहुत ठीक है इसमें। डॉक्टर असलम, पीसीपी में कोई ये ग्रेडियंट नहीं होता, वो डिफ्यूजली होगा ना, सिस्टिक लीजन आएंगे उसमें और एड्स की हिस्ट्री होगी। नहीं भाई, ये जो स्लाइड है ना ये पीसीपी वाला, ये दोनों आप लगा लो ना साथ साथ, तो बस तकरीबन वही चीज है, बस हिस्ट्री पे हम इसको क्लियर करेंगे या स्काउट व्यू को देख के ना या एक्सरे पे देख के, तो उसका बेजल स्पेयरिंग बिल्कुल क्लियर कट, उसके मार्जिन जो है ना बेस स्पेयर होते हैं। एलसीएच की ये टिपिकल फाइंडिंग होती है कि बेजल स्पेयरिंग होती है, मेल होता है, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग होती है और बिजेर शेप सिस्ट विद नोड्यूल्स। ठीक, और एग्जाम में आपको और भी, यानी यहाँ हम एक एक स्लाइड लगा लेते हैं, उसमें आपको एक्सियल भी मिलेंगे, कोरोनल भी मिलेंगे, सेजिटल भी मिलेंगे, तो आपने सारों को देखना है, आपको रिलेट करना है। एक और टिप जो मैं देना चाहता हूँ जो मैंने इस दफा फॉलो की थी कि जब आपके सामने ये फिल्म लगती है तो आपने आते साथ ही बोलना शुरू नहीं कर देना, आप 10-20 सेकंड्स का पॉज ले सकते हैं, 10-20 सेकंड में गौर से देखें फिर आप उसको डिस्क्राइब करना शुरू करें। वो 10-20 सेकंड होते हैं ना उसमें आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर आप सही लाइन पे जाना शुरू करते हैं। थैंक यू, अल्लाह ब्लेस यू सर, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू, अल्लाह।